नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनके कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने रिसेंटली कुछ वीडियो डाले थे बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के बारे में, जिसमें मैंने रिव्यू किया था बीएसएनएल का जो 249 रुपये का प्लान है उसको। मगर कुछ भाइयों के कमेंट आए थे उसके ऊपर कि भैया आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें पता चले कि जिसका कनेक्शन अगर किसी को लेना हो तो कैसे लें और क्या क्या उसमें खर्चे होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा बीएसएनएल के ऑफिस में और वहाँ पर जाकर आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा और साथ में दो फोटो, एक फोटो आईडी और एक एड्रेस प्रूफ ले जाना ना भूलें, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपको 500 रुपये फॉर्म के साथ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना होगा, जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल होगा, बाद में आपको रिफंड हो जाएगा। मगर दिक्कत कहाँ आती है, अगर आपके एरिया में स्लॉट खाली है तो आपको कनेक्शन तुरंत दे देंगे, अगर स्लॉट खाली नहीं है तो आपको कनेक्शन मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये स्लॉट क्या चीज़ है दोस्तों, ये जो वायरलाइन बिछाते हैं ना, तो उसमें एक लिमिटेड कनेक्शन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो सारे के सारे कनेक्शन इन्होंने प्रोवाइड कर दिए तो आपके एरिया में एक नई लाइन बिछाई जाएगी, उसके बाद ही आपको कनेक्शन मिलेगा और उस प्रोसेस में आप इनको 1.5 से 2 महीना तक लग सकता है। हमें खुद पर्सनली 1.5 महीना लगा था। अगर स्लॉट खाली है तो आपको कनेक्शन तुरंत 4-5 दिन में ये दे देंगे। तो जो फॉर्म होता है वो एक लैंडलाइन कनेक्शन के लिए होता है, तो एक आपको वायर आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इनके जो हेड ऑफिस है इनके पास एक कोड आता है, कोड ऑफ कन्फर्मेशन आता है आपका कनेक्शन एक्टिवेट करने के लिए, तो ये बीएसएनएल ऑफिस में आता है। तो आप संपर्क बनाए रखिएगा वो कोड आया कि नहीं आया, वो कोड ये क्या करते हैं अपने ऑनलाइन सिस्टम में डाल देते हैं और आपका कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। कनेक्शन एक्टिवेट होने के बाद अगर आप लैंडलाइन लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी। अगर आप सिर्फ वाईफाई एरिया क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो राउटर भैया क्या होता है कि इनके जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अपना खुद का पर्सनल काम करते हैं आउटसाइड अपनी जॉब के अलावा, ये क्या करते हैं कुछ राउटर्स खरीद के रखते हैं और आपको इंस्टॉल करके देंगे। और साथ में क्या होता है, इनके कुछ सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये लोग आकर देख लेते हैं उसमें। तो ये राउटर है जो मेरे एक फ्रेंड ने लगवाया है, वो 1800 रुपये का इन्होंने लगा के दिया, साथ में इंस्टॉल करके दिया, पूरी सेटिंग करके दिया। अगर आप मार्केट से सेम राउटर खरीदना चाहते हैं तो आपको 1200-1300 रुपये में पड़ जाएगा, मगर आपको सेटिंग खुद करनी पड़ेगी उसकी। मगर कई बार क्या होता है आप सेटिंग नहीं कर पाते, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, आपको सेटिंग करना नहीं आता है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा इन्हीं लोगों से आप लगवा लीजिए। क्योंकि अगर आपने खुद से परचेज कर लिया, सेटिंग करनी नहीं आती, तो 500-600 रुपये ये लोग सर्विस चार्ज के नाम से आप ले लेते हैं, तो बात वही पड़ जाएगी, 1800 रुपये आपको वैसे भी पे करना पड़ेगा, खुद से राउटर खरीदना पड़ेगा। तो इसमें जो राउटर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वाला राउटर मेरे फ्रेंड ने परचेज किया है, ये वाला बक्सा है, जो कि कंपनी वाला जो पर्सन जो आके आया था बीएसएनएल वाला, वो खुद ही प्रोवाइड करके गया है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये वाला राउटर इन्होंने अपने यहाँ इंस्टॉल कराया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं प्लीज, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।